अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग, मैं हूं महर बुखारी। आज बड़ा मुख्तलिफ किस्म का प्रोग्राम हम आपके पास लाए हैं ईद के मौके के ऊपर, जिधर सहाफत पर तबसरा कम होगा और गपशप ज़्यादा लगेगी। हफ्ते के 7 दिन ऑलमोस्ट 24 आवर्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे आप इन सहाफ़ियों को हमारे साथ देखते हैं, मगर आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे ऑन अ लाइटर नोट, हुआ दे व्हाट इज़ द आइडेंटिटी बियॉन्ड बीइंग अ जर्नलिस्ट। ज़ाती ज़िंदगी हो, ज़ाती तबसरे, इनसाइट्स हों, पर्सपेक्टिव हो ज़िंदगी के ऊपर, इवेंट्स एंड पॉलिटिशियंस हु वी कवर, सेलिब्रिटीज़ हु वी सी, और हमने देखा है कि हर किस्म का अच्छा बुरा वक्त इस मुल्क में देखा है। बियॉन्ड ऑल ऑफ इट, इन रेट्रोस्पेक्ट जो तबसरे हैं, जो एक ओवरसाइट है सिस्टम के ऊपर भी, ऑन अ लाइटर नोट वो भी जानने की कोशिश करेंगे। ये घर में वालिद कैसे हैं, ये आदमी कैसे हैं, आदमी गुड फादर्स, ये ख़वातीन जो हैं ये अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर कितनी एक्टिव हैं, मुतहरिक हैं, व्हाट आर देयर पैशंस, व्हाट ड्राइव्स देम, व्हाट एक्साइट्स देम, यही जानने की कोशिश करेंगे। मैं ज़ाती तौर पे भी आई एम वेरी ग्रेटफुल, मैं मशकूर हूँ फ्यू ऑफ माई कॉलीग्स हेयर हु गॉन आउट ऑफ द वे टू बी हेयर। आज के लिए एक तो आपको तमगा इम्तियाज़ मिला है गरीदा फारूकी साहिबा को हाल ही में, एंड शी वॉज इन लाहौर टूडे, शी मेड इट, आई एम सो वेरी ग्रेटफुल टू यू गरीदा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अफ्सा शी कम्स ऑन डॉन न्यूज़, किसी तारुक की मोहताज नहीं है, जस्ट अ beautiful person, you know, she'll never leave a friend in need, jisko ye cater na kare ya help na kare. I'm very very grateful thank to you Afsa, you. And you've come such a long way in your journalistic career as well. Thank so you. Aur of course Mansoor ko bhi main zaati taur pe pehle hi shukriya kar dun, he has immeasurable patience kyunki aaj bahut se log late aaye, jidhar hum baithe hain unme se ek Kashif Abbasi bhi hain, wo waise 4 5 6 runs ke upar out ho jate hain cricket khelte hue, lekin aaj mashallah unne half a century make kar li kyunki time tha, maine bulaya hua tha to unne आज ही 50 रन मेक करूंगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी लेट आए, मगर मैं आपकी भी मशहूर हूं, आप आ गए घर खैर से, सो थैंक यू सो मच मंसूर फॉर बीइंग लेट। मालिक माय एवर फेवरेट, इज अ वेरी डियर फ्रेंड एंड अ जायंट ऑफ अ जर्नलिस्ट, थैंक यू सो मच मालिक फॉर बीइंग हियर। और मैंने लास्ट बट नेवर द लीस्ट, यू नो यू सेव द बेस्ट फॉर लास्ट, और वो वन एंड ओनली है, वो इरशाद भट्टी है। भट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो सबको ईद मुबारक, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, सारे देखने वाले सबको ईद मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया। तमगा इम्तियाज गरीदा, कभी सोचा था मिलेगा? आई डिड नॉट स्पीक बिकॉज ऑफ दैट और फॉर दैट एग्जैक्टली, बचपन से सोचा, बचपन से सोचा, ये गोल था लाइफ में, अपने बचपन से सोच रखा था, लेकिन शायद आपको तो बचपन चल रहा है ना, इनको क्लेरिफाई कर दे, छोटी थी तो ये तमगों से खेला करती थी, इन्होंने बचपन में सोचा था कि आपको मिलेगा, इन्होंने बचपन में सोचा था कि मुझे मिलेगा, मुझे जरा सड़ने की बुआ आ रही है, मैं तो बचपन से देखता आया हूँ और बट्टी साहब सड़ना नहीं है, नहीं नहीं मैं आई एम हैप्पी फॉर हर, रियली बड़ी खुशी, थैंक यू वेरी मच, कहते रियली थैंक यू वेरी मच शाद भट्टी साहब, नहीं 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 और मुझे बड़ी खुशी हुई और मुझे अब खौफ आने लग गया कि हमें भी मिल जाना है। अच्छा मालिक ये बताएं कि सहाफत तो उतना ही पैशन फील होता है या कभी कभार नौकरी भी लगती है, व्हिच इज वेरी टीडियस? नहीं कभी कभी नौकरी भी लगती है, और जब व्हेन यू डूइंग रन ऑफ द मिल में काम हो रहा होता है और एक पैटर्न बन गया है, वी आर ऑल विक्टिम्स ऑफ आवर पैटर्न्स, और टेलीविजन में उतना टाइम नहीं मिलता आपको किसी स्टोरी पे काम करने का, प्रिंट पे मिलता था, तो मतलब टेलीविजन का एक रश और है ना, वो एक एक फ्रस्ट्रेशन है, बट जो इसका इंस्टेंट है, ये जाती लाइफ की फ्रस्ट्रेशन है, दिस इज फास्ट फूड, पूछे जाती जिंदगी की फ्रस्ट्रेशन ज्यादा है या सहाफत की आजकल फ्रस्ट्रेशन? फ्रस्ट्रेशन ये है कि मेरी सीटिंग अरेंजमेंट बड़ी गलत हुई थी, लेकिन कुदरत के इससे बड़े इम्तिहान भी हो सकते हैं, फरीदा ने सही बताया ना, नजर वट्टू भी बीच में बिठाया करते हैं, मालिक का निजाम है, नहीं नहीं मालिक का निजाम है, ना ना मालिक साहब नजर वट्टू नहीं हो सकते, नहीं नहीं सर बीच में जो बैठता है, नहीं नहीं अब सा नहीं हो सकती, ये तो इधर तो आई थिंक नोबडी नीड्स टू से कि वेयर द ब्यूटी लाइज ऑन दिस पैनल। अच्छा तो फिर आप सीधी मुझे कह देना ताकि लोगों को, आप नहीं कह रही हैं मंसूर। हाँ तो आजकल वो नहीं, आई एम ऑन सीरियस नोट के सहाफत नहीं, जाती जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन ज्यादा है सहाफत में आजकल? सहाफत नहीं ज्यादा है, बिकॉज आप इतना कुछ कहते हैं, इतना कुछ लिखते हैं, और रियली पीपल इन पावर डोंट गिव अ डैम, वो करी जाते हैं, वही हरकतें हो जाती हैं, तो फ्रस्ट्रेशन तो होती है। पीक क्या थी जर्नलिस्टिक करियर की जनरली? मैंने जैसे शुरू में कहा हाईज एंड लोज इतने देखे हैं, काशिफ पीक क्या थी? या व्हेन यू लुक बैक एंड यू लाइक यार मेरा मतलब है कि दिस टाइम वाज जस्ट अमेजिंग, मैं आई वाज ऑन द गो, मैं जो दिल करता था जो दिल करता था कहता था, एंड इट वाज यू गेटिंग द सेम फीडबैक, वो पीक क्या थी? परवेज मुशर्रफ का दौर,
यूरोप फिर रहे थे, बॉयकॉट भी हो गया था इनका. नहीं नहीं, एक पीक नहीं होती है. आई कांट इमेजिन दिस. आई डोंट थिंक वी हैव पीक्स दैट वे. ये जरूर है कि कुछ टाइम ऐसे होते हैं जिस टाइम आपके पास करने को बहुत कुछ होता है, एंड देन यू नो देयर इज अ लाल मस्जिद वाज अ पीक फॉर यू कवरेज. इट वाज अ स्टार्ट फॉर मी, बट इट वाज प्रोबब्ली द बिगेस्ट थिंग दैट आई डिड. अगर अभी भी मैं बहुत से लोगों को मिलता हूँ जो मुझे कहते हैं जी आपको हम लाल मस्जिद में देखना शुरू किया था, दैट वाज वन टाइम जब पूरी पाकिस्तानी कॉम ग्लू थी. पीक ही हुई ना. अगर किसी को मशवरा देना पड़ गया कि भाईजान सियासत छोड़ दो, आपके गलती बस की बात नहीं है, किसको कहो सियासत छोड़ दो? सहाफत और सियासत, सियासत सियासत भी छोड़ दो. किसी को कहना पड़ा, किसी को कहना सहाफत छोड़ दो यार. नहीं अच्छा वो सहाफत के हवाले से तो पट्टी साहब ना जाती नहीं होना. जाती पट्टी साहब नाल नहीं होना. और एक कोई और गल करो, जवाब देगा ना सहाफत की थी के दो असी असी मैं पट्टी साहब के नाल है कहेगा. अगर आपने गलत बात की, मैं पट्टी के साथ हूं. मैं भी ये कहेगा, हम बता रहे हैं हम पट्टी साहब के साथ. तो मैं एक मिनट मेरी गल सुन. मेरा जो जवाब होना है ना पट्टी साहब, मैं जवाब नहीं आपसे नहीं पूछूंगा. मेरा जो जवाब होगा वो आपको पसंद आएगा. मैं पट्टी साहब, आपको पता है मैं भी पट्टी साहब के साथ, आपका मेरा कनेक्शन है, आपको पसंद आएगा मेरा. मैं उस एंकर का नाम लूंगा जो भट्टी साहब को अपने प्रोग्राम में नहीं बुलाता, कामरान खान सर. उनको अब सहाफत छोड़ देनी इसी इसी पे कि मुझे नहीं बुलाते. मेरा तो ख्याल है कामरान शायद यंगर कामरान के तौर पे जो दो दफा बुलाता है उसको भी छोड़ देनी चाहिए. कई दफा मजे की बात देखे दो तीन मरतबा काशिम ने बुलाया. हम नहीं आपके प्रोग्राम में जाना बैठे होते हैं. ये क्लिप अब वायरल होगा. ये क्लिप वायरल होगा. अच्छा, और कामरान साहब को क्यों छोड़ देनी चाहिए? मेरे ख्याल में मुझे फील होता है, देखिए आप लोगों के रिलेशनशिप्स ना माजरत के साथ, मुझे कभी कभार फील होता है जो हमारे सीनियर्स हैं जिनको हमसे ज्यादा देर होगी काम करते हुए, आप लोगों के अपने ना कुछ पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं जिसकी वजह से आप लोग थोड़ा सा ना लाइटली लेते हैं चीजों को और आप जाने देते हैं. वो बड़ी फुल टॉस भी हो रही होती है, जाने देते हैं और छोड़े दोस्त है हमारा. लेकिन मुझे मुझे फील होता है वो बहुत ज्यादा आउट ऑफ टच जो है ना वो हो चुके हैं. उनको शायद वो ग्राउंड रह, देखिए रिपोर्टर मुझे फील होता है वो होता है जो ग्राउंड पे जाता है, जलसों में जाता है, सड़क की मार खाता है, उसको नजर तो आए कुछ. मुझे तो आज तक कभी कामरान खान नजर ही कहीं नहीं आया. वो टीवी इसको छोड़ देना चाहिए अब आपको लगता है सहाफत? अच्छा, मुझसे सारे इतने सीनियर हैं कि मैं किसी को ये कहने की पोजीशन में कामरान साहब मुझसे भी बहुत सीनियर के बजाय मैं खुद ही छोड़ के लॉजिक मंतक दिए उन्होंने. मैं आई एग्री विद मंसूर एंड आई थिंक उन सबको छोड़ देनी चाहिए जिनकी ईगो और उनके ग्रजेस जो हैं पर्सनल उनके काम के ऊपर हावी आ रहे हैं. मुझे बहुत से हमारे सारे ज्यादातर मुझसे सीनियर हैं, हैम्पर कौन पड़ जाएगा यार, ये सारी गड़बड़ी जा रही है. आधा आधा हम बांट लेंगे. आई अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग. आई आल्सो अंडरस्टैंड, आई डू अंडरस्टैंड. आपकी पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स सहाफत के आड़े नहीं आनी चाहिए, क्या ख्याल है गरीदा? दुरुस्त कह रही हैं ये बात, लेकिन वो बहुत थिन लाइन बन गई है. और पाकिस्तान में जितनी लाइंस गडमड हो गई है ना, हमारी जमहूरियत कहाँ है, फैशिज्म कहाँ है, जमहूरियत ख़त्म कहाँ हो रही है, फैशिज्म शुरू कहाँ से हो रही है, उस लाइंस के गडमड होने में सहाफत भी उसी का. हम लोग इसी मुआशरे का हिस्सा है ना, इस सोसाइटी में हम रहते हैं जहाँ पे बर्दाश्त खत्म हो गई है, जहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिल्कुल उसको टॉलरेट करना. सियासत अब किसको छोड़ देनी चाहिए? You want a blunt answer? Blunt. Will you give me the hamper? I will give you the hamper, my love. Not a journalist's place to say that, but since this is a fun program. Exactly. Yeah. Either, by the way, either bhi aapko jo assembly mein immunity hoti hai na, is program mein aap sabko istisna hasil hai. Kis you will not be held accountable Garida, for whatever you say. Garida, Mansoor has guessed it. Garida Adyala Jain jaane lenge. Chale. Mansoor has guessed it. Khan ko chhod deni chahiye ab siyasat. Imran Khan mein flexibility agar nahi aa sakti, to siyasat chhod deni chahiye. Mr. Bhatti. Ye aapka channel Airway chalayega. जो मैंने बोला क्यों नहीं चलाएगा यार, हम डरते हैं किसी से? शायद नाम पे क्यों भाई काशिफ, नाम पे बीप लगाना पड़ेगा. आप काशिफ से क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, नहीं, मेरे ये वाला तो तीन दफा चलेगा. मेरा नहीं मेरा ख्याल है आपने ये आपने काशिफ से क्यों पूछा कि हम डरते हैं यार? बिकॉज़ मैं नहीं, और काशिफ चुप कर गए बिकॉज़ इट इज हिज पेरेंट कंपनी, दैट इज व्हाई. यू नो ही स्पेंड इतनी देर उसने गुजार दी है कि ये अब सिनोनिमस हो गए यार वाई और काशिफ. तो मैंने कहा पूछ लो कि चल उसने मेयर के साथ नहीं गुजारा, इतना वक्त मेरे साथ नहीं गुजारा, कितना यार वाई के साथ गुजार लिया. नहीं बाकी बात दुरुस्त है, यार इसका नाम तो अब के आर वाई हो जाना चाहिए. किसको छोड़ देनी चाहिए सियासत और सहाफत? सियासत मेरे ख्याल से इमरान खान को रहना चाहिए, इमरान खान की वजह से सारी बहारें हैं.
बाकी सारा तो स्टेटस को एक। और नवाज शरीफ साहब को यास्मीन राशिद से हारने के बाद या मशकूक जीतने के बाद छोड़ देनी चाहिए थी। जरदारी साहब को सेहत के मसले पे छोड़ देनी चाहिए थी। अब रहम करें, इन दोनों को कहना है मुल्क पे बड़ा कर लिया, बच्चे आपके आपने सेट कर लिया। तो मियां साहब और जरदारी दोनों को आप चाहेंगे कि बैक सीट ले लें। और सहाफत का मैं यस कामरान खान मैं साथ जाऊंगा। अल्लाह माफ करे, मेरा मतलब सारी पीछे पड़ गया मिस्टर मिकी। I'm not avoiding an answer, लेकिन मैं realize किया कि ज़िंदगी में सबसे बड़ा नुक्स होता है जब आप judgmental हो जाएं। ये सारे बड़े judgmental लोग हैं। You're not being judgmental in the field. Highly judgmental. Pigeon size perspective में इन सब लोगों के हैं। मुझे बताया ना उस वक्त जो seniors हैं, ये avoid करते हैं। इन्होंने avoid नहीं करते। मुझे नहीं सही कह रहा है। मंसूर की बात से मैं agree कर रहा हूँ। मालिक साहब आप खत्म कर लीजिएगा। हम avoid नहीं करते। Avoid कर रहे हैं। इतनी ज़िंदगी कुछ देखने के बाद शायद हमें ये रियलाइज हुआ कि यार दिस इज दीस आर वेरी स्मॉल थिंग्स। चलो मेरा अंदाज़ था ना, एक मिनट ठहरो। डॉक्टर शाहिद मसूद वाला जो केस हुआ, आप लोग उस वक्त कोर्ट के अंदर थे। आप लोगों ने उस वक्त हमको हतुल इम्कान कोशिश की कि डॉक्टर शाहिद मसूद जो है ना वो बच जाए, किसी तरह बच जाए। वो जो ज़ैनब वाला केस था, इट वॉज सच अ बिग ब्लंडर, सच अ बिग ब्लंडर कि एक बच्ची जिसके साथ जो कुछ हुआ उसकी डेथ हो गई। मैं आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मेरे सीनियर्स जो हैं उस शख्स के अगेंस्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अपना लेंगे, बट वो जो पर्सनल रिलेशंस थे वो सबके इतने बीच में आ गए कि एवरीवन वाज जस्ट ट्राइंग टू सेव हिज स्किन कि नहीं नहीं डॉक्टर शायद उसको साढ़े छह गए उन्होंने चो स्टॉप डूइंग दैट। अगर लोग गलत कर रहे हैं मालिक साहब, स्टॉप डूइंग दैट, यू नीड टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। आई वाजंट इवन देयर, बट इवन इफ आई हैड बीन देयर, करना क्या चाहिए था मालिक साहब? मैं खुद गया क्योंकि मुझे बुलाया गया था वहां पे, और मेरा ये ख्याल था कि डेफिनेशन मौजूद है, कानून बनाए और उस कानून से सबको गुजरना चाहिए। ये किसी एक को किसी बली का बकरा सिर्फ इसलिए बना के कि एक स्टोरी किसी की माउंट। मंसूर आपको याद होगा, आपने शायद मसूद साहब के साथ उसी दिन प्रोग्राम भी किया था। जी मैंने किया। मंसूर ने एक स्टेटमेंट दिया था उस वक्त कि डॉक्टर साहब जिस दिन मेरी कोई स्टोरी बाउंस होगी मैं साफ़ छोड़ दूंगा। और मैंने आपको एक कॉल की थी उसके बाद, मैंने कहा यू नेवर मेक दी स्टेटमेंट, क्योंकि वी आर इन द बिजनेस, हम इस बिजनेस में क्या खबरें देंगे, और हमसे गलतियां भी होंगी, हम कई दफा खबर गलत भी देंगे। यू नेवर से मेरे से गलती हो गई तो मैं साफ छोड़ नहीं, मगर ऑन अ वेरी एक सेकंड मंसूर की ये बात तो सही है कि यार कभी कभार, एंड आई रिमेंबर कि जब मैंने करियर स्टार्ट किया था तो वो जर्नलिस्ट के प्लॉट्स और जजेस और जनरलों के प्लॉट्स के ऊपर मैंने बड़ा शो किया था। मेरी जिंदगी आराम कर दी थी मेरे अपने कॉलीग्स ने, मैं आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम एंड फैक्चुअली सब कुछ करेक्ट था प्लॉट्स के और इन चीजों के हवाले से, बट इट्स मैं आज नहीं कर सकती वो फ्रैंकली। उनके खिलाफ साथ किया था जिनके साथ रिलेशनशिप थी, बल्कि रऊफ साहब अभी मिसाल देते हैं कितना सख्त प्रोग्राम किया तुम्हारे प्रोग्राम में आया अंसार अब्बासी, वी हैव रिलेशनशिप्स विद ऑल ऑफ देम, मैं किया ये सारा बिन नाउ 38 इयर्स 37 साल हो गए मुझे इस काम में, कुछ 70-75 साल के तो होंगे आप फिर अब? नहीं नहीं, आई एम 61 माशाल्लाह। ओके, सो 38 साल ऑफेंसिव गल कितनी है सर, 15 साल आपकी उम्र बढ़ा दी। डजंट मैटर, अगर मैं 71 हूं तो 71 होगा, अगर हमने कोई सानू की उम्र को बांट दी के ऊपर बंदा जितना भी हो ना उसको ऊपर बड़ा ही होना। बात ये 38 इयर्स में दो तीन चीजें सीखी, एक तो ये है कि कोई अपने आप को अकेले कुल ना सकता, ऐसे दूसरा कोई अपने आप को ना सोसाइटी का मॉरल बैरोमीटर ना बनाए। दिस इज वेयर वी गो रॉन्ग, जब हम जजमेंटल होना शुरू होते हैं ना, जितनी मर्जी अच्छी नीयत से हो, वी लूज साइड ऑफ द बॉल। जी मेंटल ना हो तो आप क्या हो, मुनाफिक हो क्या हो? अब मैं फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि ये व्हाइट है कि ब्लैक है, तो मैं क्या करूं? मैं कहूं व्हाइट है, ग्रे है, मैं कहूं क्यों कहूं ग्रे? ये लोग इसी चीज से तंग आ चुके हैं, लोग इस ग्रे से बस कर दें, जजमेंटल हो गए और लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं कि आप सियासतदानों को क्रिटिसाइज करते हैं, जुडिशरी को करते हैं, फौज को करते हैं, सब पे करते हैं, अपने आप को क्यों नहीं करते? और फिर दूसरी बात, मैं एक बात से पहले एक सेकंड से, फिर दूसरी बात ये है कि मैं मेरे कहने पे अब कब ये ऑन एयर होगा? तो नवाज शरीफ साहब ने कहना कि बस जी हूं तो मेरी खत्म, पटेल ने कहा था तो मैं छोड़ गया। ये मुझसे सवाल पूछा कि आप क्या समझते हैं, उसका मैंने जवाब दिया। आई एम नॉट उनके अकल, उनका मुझसे ज्यादा अकल है, दोनों का अकल ही है तो इधर पहुंचे। अच्छा भाई, मैं अपना रजिस्टर खोल रही क्योंकि मुझे जी ऐड करें जल्दी जल्दी। एक से प्रोड्यूसर आप तस्वीरें भी जरा लाइन अप कर लें, आप सब कुछ ऐड कर रही हैं जी। सो मालिक साहब जजमेंट्स की बात कर रहे थे, तो एज अ जर्नलिस्ट, तो एथिकली जर्नलिस्ट कभी भी जजमेंटल नहीं हो सकते, इज एब्सोल्युटली राइट अबाउट। क्यों नहीं हो सकते? लेकिन बताओ, क्योंकि आप अगर अपने जिस सब्जेक्ट को आप शुरू करने जाते हैं भट्टी साहब, अगर मैं उस पर क्या कहूंगा कि मैं जजमेंटल नहीं होना चाहता? नहीं, लेकिन आपका सवाल जजमेंटल नहीं होगा, यू ट्राई टू काइंड ऑफ लाइक यू नो एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन आउट ऑफ दैट सब्जेक्ट।
में सवाल ना करो, होने में कोई एतराज मुझे नहीं है, जजमेंटल होने से क्या मुराद है, जजमेंटली तो खूबसूरती है इसकी, इसको लोग क्या तवक्को करते हैं, लोग क्या तवक्को करना चाहिए, जजमेंट्स एज इन नहीं लोग आपसे, अफसा लोग क्या तवक्को करते हैं कि आपको कोई सारा घुमा हो वाया बठिंडा जाए लाहौर, डेफिनेटली आप फैक्चुअली करेक्ट, किसने कहा गलत हूँ, फेक स्टोरीज किसने कहा, लेकिन जजमेंटल होना जरूरी है, डेफिनेटली आपको तमगा इम्तियाज मिल गया तो हम जाने देंगे और मजे की बात ये है बात को कम्प्लीट करने के भट्टी साहब की बात ये की ये ठीक कह रही हूँ, शरीफ खातून है तो आपने तो मैं इनको क्यों पसंद, आई विल गेट टू यू शरीफ खातून, नहीं नहीं मैं इनको क्यों पसंद, भट्टी साहब आज ना बगैर पर्ची के बोल रहे हैं, बोलने दें गरीदा की मेहरबानी है, लेकिन पता है मैं इनको क्यों पसंद करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आई लव शहबाज शरीफ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें मुझे उसकी उनकी पसंद है, तो आई लव शहबाज शरीफ और इनको पसंद होना चाहिए क्योंकि इमरान, जजमेंटल बड़ा जरूरी है, कहने का मकसद ये है कि आपके लोगों को जाए थॉट क्लियर जाए, हाँ आपने पांव जोड़ के झूठ नहीं बोलना, एजेंडा बेस्ड नहीं होना, और जहां तक आप समझ सकते यार हैं, ये मेरी बात है, बहुत ही आप लोग मेरी बात सुने, कौन कौन फैसला करेगा कि एजेंडा बेस्ड कौन है, कौन फैसला करेगा कि करेंगे, ये लोग करेंगे, आवाम करेगी ना, यही हाँ ठीक है यार, ऑन अ वेरी बिकॉज आज मुझे दोपहर को एक आदमी ने कहा कि मेरे में एक हेडमिस्ट्रेस दिखती है उसे, एक तो ये मुझे नहीं समझ आती मुझमें हेडमिस्ट्रेस कैसे बट चले क्योंकि देख लिया तो मैंने रजिस्टर खोल लिया है, मुझे लगता है यू आर वेरी स्ट्रिक्ट, मतलब यूं होगा ये होगा, वैसे आपकी टीम का इंटरव्यू होना चाहिए वो बता सकती है, नहीं भाई मैंने तो नहीं लिया आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि मुझमें मंसूर को एक हेडमिस्ट्रेस उस्तानी दिखती है, मैंने रजिस्टर खोल लिया है, रजिस्टर हम वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद हम कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, इनमें से जो सबसे अप्रोप्रिएट एप्ट और टाइमली उसको कैप्शन कर दे उसको मार्क्स मिलना शुरू हो जाएंगे, सो टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, ईद मुबारक, वी विल बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन, आप सबको ईद मुबारक विश कर रहे हैं। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे मंसूर को हेड मिस्ट्रेस नजर आती है मुझमें भी और गरीदा में भी, मैंने तो रजिस्टर खोल लिया है, मगर अब ये हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे इसके अंदर जो सबसे स्पॉन्टेनियस और सबसे एप्ट जिसका जवाब होगा उसको मार्क्स मिलेंगे। मेरे बच्चे भी इधर आ गए, इनसे भी पूछ लेते हैं कि ज्यादा स्ट्रिक्ट कौन है, कौन स्ट्रिक्ट है ज्यादा, मैं स्ट्रिक्ट हूँ ज्यादा या काशिफ, हो गया ठीक है, अब आप जाएं, ईद मुबारक, जिसने इधर उंगली की है मुबारक, हाँ हाँ ईद मुबारक, ओके चले जी तस्वीर दिखाएं, पहली तस्वीर, कैन यू मेक अ बजर साउंड, हां कैन यू मेक अ बजर साउंड, यू जस्ट यू स्पीक अप, गो गो, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड, फॉर्म 45, फॉर्म 47 नोटिफिकेशन, क्या 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 क्या, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड, फॉर्म 45, फॉर्म 47 नोटिफिकेशन, फॉर्म लेफ्ट साइड, फॉर्म 47 यानी 45, फॉर्म 47 नोटिफिकेशन, ये क्या, ओह वाओ, कैन एनीबॉडी बीट दैट, यस वही है, फॉर्म 47 एंड फॉर्म 45, हाँ मगर कौन कौन सा 45 है, कौन सा 47 है, मेरा पांच लोग जो पांचों के पांचों यहाँ नहीं होना चाहते, तस्वीर को देखते हुए लग रहा है कि गंडापुर साहब के वो जो ऊपर एक डायलॉग का वो सर्कल आता है ना, अगर वो सबके साथ किया जाए तो गंडापुर साहब कह रहे हैं मैं किधर आ गया यार, खड़ा हो गया ये, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, और मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं यार मुझे किसके साथ खड़ा कर दिया, और शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मुझे यहाँ किसने खड़ा किया, और मरियम कह रही है मैं यहाँ खड़ी हुई कैसी लग रही हूँ, नहीं नहीं मरियम कहती है इसको यहाँ किसने खड़ा किया, नहीं नहीं नहीं, और एक मिनट में बात, और सरफराज मुफ्ती साहब जो है वो कह रहे हैं सर यहीं खड़े होना था, गुड वन, और मरियम साहबा फोकस कर रही, अच्छा ये अगली आ गई, मरियम साहबा फोकस कर रही हैं कि जहां शहबाज शरीफ साहब की जगह मुझे खड़ा होना चाहिए, वैसे शहबाज शरीफ साहब का टेंशन किस तरह, ये सीधा होता ना सर, डजन कौन किस तरह पहुंचा है, पहुंचो घी में,
अच्छा भाई, ये मार्क्स मैं दोनों एक एक मार्क दे रही हूँ, एक मंसूर को, एक गरीदा को. गरीदा वॉज फैंटास्टिकली स्पॉन्टेनियस एंड ऑन द डॉट, एंड मंसूर ने जो एक एक करके पोस्टमार्टम किया इस पिक्चर का, दोनों को 1-1 point ईच. गरीदा 1, मंसूर 1. They're not sharing the hamper. Let's see, अभी और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं. नेक्स्ट पिक्चर. मिल गया मुझे हैम्पर ही. नेक्स्ट पिक्चर, कम ऑन. प्रिंस चार्मिंग एंड The one and only सरदारी सब पे भारी. हो गया जमिया, हो गया जमिया. Okay, can anybody beat that? हो गया जमिया. Good one, Malik. Okay. पापा फिर सदर बन रहे हैं. बेटा एक दफा और बैठ जा बाहर, एक और बारी ले लिया. पापा हमने भी इमरान खान की तरह यूटर्न ले लिया. चले जी, ये गया मिकी को 1 point. नेक्स्ट पिक्चर. मैं तो कबूतर उड़ाने ही आया था. मुझे क्यों उड़ाया? गुड वन. अमन की आशा मेरे ख्याल से ये पैगाम दे. मुझे क्यों बुलाया, या मैं तो कबूतर ही उड़ाने आया था. मिस्टर बासी बड़ी खामोशी तारी हुई है. मैं बड़ी अच्छी तस्वीर है. अच्छी कबूतर पसंद आया आपको? हां, बट अदर देन दैट ये पिक्चर अच्छी थी. कबूतर पसंद आया? मेरा कबूतर नु पुत्र तेरा ते मेरा इस मुल्क में कोई काम नहीं है. हां, ये भट्टी साहब को मिल गया जनाब. नेक्स्ट पिक्चर. थोड़ा सा कारपेट आगे कर दीजिए, आइंदा मैं इतने दूर जाके पौधा नहीं लगाऊंगी. वोट को इज्जत दो को दफन किया जा रहा है. मंसूर अली खान ने जरा डेप्थ डाली है जवाब में, मगर आपका बात चलो हाफ पॉइंट मुझे मंजूर. हाफ पॉइंट भट्टी साहब, हाफ पॉइंट मंसूर. कह सकते हैं गमलों की पैदावार. ये तो गरीदा दोनों के आधे आधे पॉइंट ले गई. गमलों की पैदावार गरीदा तुम्हें भी मैं दे रही हूँ. जमीन में लग रहा है. ओके, तो खुद अच्छा जवाब नहीं देते, फिर खरीदा को पॉइंट नहीं लेने देते. ये गाल छोड़ो मालिक साहब, वो कहते गमले से लग देना, वो भी मिसाल ही है ना. ये तस्वीर, ये भाईजान माजरत थोड़ी गाल नहीं सी हुई. आशीर्वाद दे रहे हैं कि भाईजान अब आगे मेरा ही दौर है. और शायद नवाज शरीफ कहते पीछे हट होर की लेने. Anybody else? ना मेरे ही लिखे. अच्छा जी, भट्टी साहब को एक और पॉइंट. अब सब वैसे ही आपका भी बनता था, पर आप भट्टी साहब को पहले से ही दे दें. नहीं नहीं, आपको दे दिया मैंने. इलेक्शन डिसाइडेड है तो दिल आया, इसलिए मम्मी ने चाय पे बुलाया. एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, इस पर तो यही बनता. ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज. काशिफ याद है आपको ये कौन सी इन्फेमस वो थी, मीटिंग के लिए गई थी पीटीआई और सर जब मिलने गए थे मौलाना फजल उद्दीन साहब से, और बाजमात उनके पीछे खड़े हो गए. पीटीआई मेरा ख्याल है एहतजाज ही बाजमात ही होना चाहिए इनका. नहीं नहीं, पीटीआई डीजल कोशिश तो ही कर रहे होंगे. पीटीआई डीजल भरवा कर बस भी फरीजा अदाद कर रही थी. यार ये भी भट्टी साहब को जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? करो करो, लिखो 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 जल्दी. नहीं वैसे गरीदा का भी अच्छा था. बोली नहीं मैं अभी खड़े आप जबान बंदी करना चाहते हैं. देखो जेंडर पे आ गई फिर. ये तो चाहती है कोई ऐसे इसकी पिच में आए आगे खेले मार देगी. आधा आधा कर दूं? नहीं 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 नहीं, वो क्या मैं मुदू अयाज बंदा रहा था. भट्टी साहब आप हैम्पर का मैंडेट चोरी किए जा रहे हैं. एक एक मेरा एक एक. ये भट्टी साहब का पॉइंट बनता है. अच्छा चले, नेक्स्ट. नहीं ये किसी से नहीं मिलूंगी इसका जवाब. जी उठो अब कूच करो इस शहर में, जी लगाना क्या. काशिफ अब्बासी नहीं नहीं पॉइंट. यू आर सून अबाउट टू गेट डिस्क्वालीफाइड. यार मैं पट्टी दे लेवल से थोड़ी जा सकता है. क्या मैं पट्टी दे लेवल से थोड़ी जा सकता है इतना ऊंचा. इंशा जी उठो अब कूच करो इस शहर में, जी लगाना क्या. जितने इन्होंने भाषण दिए हैं ना, दिस वाज नॉट द अनमार काकड़ आई न्यू. ये वो अनमार काकड़ नहीं है जो बैठ के बता रहा है. मैं तुम्हें बताता हूँ हर चीज के ऊपर कि तुम लोग क्या गलती, पूरा माशरा गलत किधर है. सीरियस नहीं होना. अच्छा क्या आपने फर्क क्या पाया? यार भाषण देने शुरू कर जो स्कूल जिस तरह बन गए वो स्कूल टीचर बन गया आके. एब्सोल्यूट ट्रांसफॉर्मेशन. लिखो मालिक बसी दे दे मालिक साहब को. मालिक साहब को कहां से दूं? नहीं नहीं, हम तो कमेंट दे रहे हैं. कमेंट पे बड़ा भाई फिर सही का आपने क्या दिया था? सही हेड मिस. इंशा जी उठो अब कूच करो यार, इसका कर लो ना. चल इसका ये लगा ले, इसका ये लगा ले, इसका ये लगा ले. लाने वालों के साथ यादगार तस्वीर. लाने वालों के साथ यादगार तस्वीर. नहीं नहीं
ये फिर मालिक को दे, काशिप को क्यों दे यार? काशिप जीरो बट्टा जीरो बैठे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। एक पॉइंट दे दे, ये होता है, मंसूर ठीक कह रहा था एडमिशन। नेक्स्ट, आधा आधा जवाब का आधा नेपोटिज्म। कोई और साडे लायक हुकम, साडे लायक कोई और हुकम, और कुछ रहते नहीं गया ट्रिब्यूनल काशिप बस आधा 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 आधा। और ये मियां साहब को पूछ रहे, मियां साहब को रहते नहीं गया, मैंने पूछा किसी और को भी होना, मियां साहब आधा आधा आधा। मालिक गरीदा मेरे ख्याल से डोनाल्ड लू के बाद सबसे बड़ा स्टार पाकिस्तान में अगर कोई है तो ये ही आजकल। ये भी हो सकता है साढ़े लाइक कोई और को गुजरात नहीं गया पीछे, हो गया। ये भी हो सकता है अगले इलेक्शन का भी फैसला सुना दी है। ये तो मिकी को भी जा रहे हैं यार, आधा आधा करें आधा। चलो जी नेक्स्ट। सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते बेटा। या फिर मैं जिसे बेटा बनाता हूँ वो मोहसिन नकवी बनता है, तुम पहले ही फैसल वापडा हो तो तुम क्या बनोगे बेटा? अफसा कोमल नहीं, इतना बोर लुट गई मेला। वाह, चलो नेक्स्ट। और ये नहीं, बेसिकली ये कह रहे हैं कि औरंगजेब साहब को इंटरव्यू किया तो पूछा कि अभी एक एयरपोर्ट आउटसोर्सिंग के ऊपर भी है, मजीद और कमेटियां दे दें तो आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी? प्राइवेटाइजेशन, ये पहला फॉरेन मिनिस्टर है जिसको प्राइवेटाइजेशन का भी चेयरमैन बना दिया है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही है? नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ज्यादा इशू ये नहीं है कि इनको क्या मिल गया, ज्यादा इशू ये है कि औरंगजेब साहब को क्या नहीं दिया। आपको लग रहा है आगे चल के औरंगजेब साहब के लिए मुश्किल हो जाएगा काम चलाना? कोऑर्डिनेशन कमेटी ट्रेडिशनली हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर करता था, वो जाहिर फड्डा चला है, वो प्राइम मिनिस्टर ने अपने पास रख लिया इन हिज एब्सेंस फाइनेंशियल सेट, लेकिन जो सब उनको दे दिया इन्होंने गवर्नमेंट का और उसके ऊपर, प्राइवेटाइजेशन इज द की इन दिस बारी फाइनेंस की पॉलिसी। और इनकी बल्कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था डार साहब की, जब ये लंदन आए थे वापस ब्रसल्स वगैरह से, तो वहाँ भी सारी बात वही कर रहे थे कि एज अ फाइनेंस मिनिस्टर मैंने ये किया। मेरा ख्याल है वो ये समझ रहे हैं कि फॉरेन मिनिस्टर बन के आई एम अ फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द मूव। नहीं तो क्यों दिया है? करूंगा मुख्तलिफ, ये किसी को अंडरस्टैंडिंग है, ये क्यों दिया है? जब फैसला कर लिया कि फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं देनी तो इस तरह की कमेटियां आउट ऑफ प्रेशर दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, या कोई बड़े भाई का प्रेशर है, क्या है? समझी है तो समधी का सारी जगहों पे, तो फॉरेन मिनिस्ट्री इज अ वेरी बिग मिनिस्ट्री दैट इज, वो नहीं समझते ना, वो नहीं समझते। आपको याद होगा कि डार साहब विल मेक एवरी एफर्ट कि औरंगजेब फेल्स एज फाइनेंस। नहीं, अभी भी हो सकता है औरंगजेब को फॉरेन मिनिस्टर बना दे। इस्माइल मिफ्ता के साथ हुआ था यही चीजें, यानी शिकायतें भी लगाई जाएंगी, कॉल्स भी की जाएंगी, आपके साथ भी होंगी, उसी तरह आपको आर्टिकल लिखते नजर आएंगे, बिकॉज हर किसी की ना एक एक पेट मिनिस्ट्री होती है और एक राइट होता है। डार साहब फील्स के फाइनेंस मिनिस्ट्री मेरा हक है। इट इज सो आयरोनिक, मोहम्मद जुबैर ने ब्लॉक किया वो ये डार साहब, उनको आपने उसी का हेड बना दिया। यार आपका इतना इम्पोर्टेंट एलिमेंट है इस बारी एसओईज का और ये प्राइवेटाइजेशन का, और वो अगर फाइनेंस मिनिस्टर के नीचे नहीं है तो ये तो you're setting the finance minister for failure। चले जी next आगे तस्वीर दिखाएं, ये तो बड़ा ये भी first timer देखा है हमने, बहुत serious हो गया, आगे बढ़ो। पहली चीज जो जहन में आती है तस्वीर देख के, कौन ठंड पै गई जी? कोकोमो अंकल कहते हैं बहुत से बच्चे मिफ्ता साहब को, मुझे रिसेंटली पता चला। ठंड पै गई जी? नहीं, मेरे ख्याल में काशी भाई का नंबर बनता है। ये कौन है यार? अली अमीन गंडा पूर, ये कौन नहीं, है गरीदा से नहीं जानते? गरीदा से पूछ, गरीदा। आई हैव टू थिंक अबाउट इट, फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू सी दिस। आ गया, अच्छा आ गया। शहद बैन करा रहा हूँ पूरे केपी में। मैं कहूँ क्या ना, होड़ रोक लो, होड़ रोको, रोक सको तो रोक लो, ये भी है। बट वैसे बाय द वे, तमाम तर रोकने के बावजूद, ऑन अ क्विक नोट बिफोर हम दूसरी पे जाएं, अली अमीन गंडापुर एज अ चीफ मिनिस्टर कामयाब होंगे नहीं होंगे, सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? मैं आपको एक बात बताऊं, चॉइस बुरी नहीं है,
कैसे अपने आप को मैनेज करेंगे केपी में, ये मैनेज देखें, सुबह चलाना एक आदमी के पास की बात नहीं होती है, एक टीम होती है जो सुबह चलाती है, ठीक है। अगर इन्होंने ठीक से प्लान करके गवर्नेंस के ऊपर आ गए, कभी अली अमीन को देखे ना, एक हर एक सख्त एक्सटीरियर होता है, कोई सख्त बात करता है, मरियम नवाज ने सख्त बात करती है, एक्सटीरियर है लेकिन काम करेगी अगर जाके, अपनी टीम अच्छी बनाएगी तो थोड़ा सा नेक्स्ट तस्वीर और उसके अंदर वो है कि ही कैन गो आउट देयर एंड वर्क। नेक्स्ट पिक्चर, जरदारी साहब बैठे हैं और उसको कह रहा है यूट्यूब ब्रूटस, बिलावल ट्राइंग टू लुक लाइक जरदारी। ओ या ही डस हैव दैट एक्सप्रेशन, वो वाकई वो एक्सप्रेशन है। But you know, do you singularly again? नहीं, ये मेरा ख्याल नहीं, आप इस फोटो से सवाल ये करें, आपके ख्याल में ये किसकी तरफ देख रहे हैं? बिलावल ने जो कैंपेन चलाई और उसके 180 डिग्रीज के ऊपर लाके वालिद साहब ने फिर खड़ा कर दिया, इंसाफ हुआ है या दिस इज पॉलिटिक्स? Great, this is good. या ना इंसाफी है? गलत किया। I think गलत किया। This is great display of politics. Great display of politics. I think मुझे, मैं एक बड़ी सरप्राइजिंग जो मुझे एक खबर मिली थी, मैंने रिपोर्ट भी किया था उस वक्त, आपको याद है एक मीटिंग की बात हुई थी जिसमें बाजवा साहब की मीटिंग हुई थी विद फजल रहमान, बिलावल, तो मुझे अंदर से खबर ये मिली थी कि बाजवा साहब के साथ जो पहला आर्गुमेंट हुआ था अच्छी सियासत क्या होती है, जहाँ पे आप अपनी पार्टी को उस जगह लेकर आए जहाँ पे आपको लगे who would trust them next time? This is just this was just electoral gimmicks. This was just politics. That makes it me very sad been, though. It should have been taken just as politics. Imran Khan ne Maulana Fazlur Rehman ke bare mein kya kuch nahi kaha. Koi fark pada unke voter pe? Wo Maulana Fazlur Rehman ke gun gaane shuru ho gaya. Wo unka support karna shuru ho gaya. But do we agree? So this is just politics. Do we agree? Election mein, campaign mein, aap apne harif ke bare mein yahi baat karte hain. Kya hum agree karte hain ki Mia sahab ne jo U-turn liya apni us position par vote ko izzat do, uska siyasi nuksan bahut bada hua hai us Muslim League unko Punjab mein. Absolutely. अगर हुआ इसका मतलब आपको अपने वोटर को जाहिल और पागल मत समझे। नहीं, that was not against. That was not against a political opponent. That was anti-establishment stance. So when you are getting, no. आप ये कह रहे हैं इस when you are playing politics, when you are playing politics against political opponent. अच्छा भट्टी साहब मुझे बताइए, बिलावल साहब is has come of age, इनकी शादी भी खैर से होने वाली है, आप किसको देखना चाहेंगे as his better half? किसकी शादी में? बिलावल की खैर से, इसका मॉपेज भट्टी साहब की भी होने वाली है, भट्टी साहब आपकी भी होने वाली है। देखिए आप क्या चाहेंगे, पहले बिलावल की हो या आपकी हो? नहीं, मुझे बिलावल से क्या लगे, मुझे बिलावल से क्या लगे, शेख साहब की हो जाए। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, बहुत बहुत ईद मुबारक, स्टे विद अस। वापस आने का शुक्रिया। ईद की बैठक लगी है, सियासी गुफ्तगू से हटकर गपशप लग रही है। विशिंग यू अ वेरी वेरी ब्लेस्ड ईद। चलें जी, नेक्स्ट पिक्चर। नंबर लिखा है? ओह, दैट्स क्यूट। शेर बिल्ली बन गया। शेर बिल्ली बन गया। शेर के पास आजकल बहुत टाइम है। एवनफील्ड हाउस लग रहा है। दिस इज सो क्यूट। कह रहे ओ जमाने गए। मियां साहब भट्टी साहब बहुत से शेर बिल्ली बन गया। भट्टी साहब शेर को देखते हुए गेस कर रहे हैं, ये शेर है कि शेरनी? ये एक्चुअली ये शेर बिल्ली बन गया है। नेक्स्ट, सोफे को इज्जत दो। ओह वाओ, ओके। ये वो खैमे में ऊंच तो होता है। ये बेसिकली इलेक्शन है हमारा, उन्होंने फिक्स किया है उसमें जिस तरह। भट्टी साहब वन मोर पॉइंट, नेक्स्ट। This is so cute. अच्छा, ये था असल शेर जिसको आप वो ना ऊपर से मारी जा रहे हैं कि so और वो थल्ले कह रहे हैं कि और कितना छोटा बनाना जी। This is the story of every household between husband and wife. Who's the wife? Who's the husband? Isn't it obvious? Isn't it obvious? I don't know. Isn't it obvious? I mean the wife with the spoon in her hand. नहीं, क्यों wife with the spoon in hand? Wife नीचे भी तो हो सकती है, इस तरह ना करो। चले जी, next. ये ये वो बता रहे नवाज शरीफ यार। वैसे मैं आप आदमियों से पूछना चाहती हूँ, तस्वीर को देख के जब घर लेट आते हैं, मालिक आप तो बहुत लेट आते हैं मुझे पता है, तो क्या एक्सक्यूज देते हैं बेगम को यूजुअली? यार अपने घर आ गए, मैं क्या बताते हैं कि क्यों लेट आए हूँ? मालिक साहब घर आ गए हैं, कोई आती उतारे, कोई काफी नहीं है घर आ गए बस। नहीं नहीं, अब असल हकीकत भी बता दें, ये तो आपका पब्लिक पर्सोना हो गया ना, आ गए हो ना घर। वो झूठ रास्ते में बोलते थे आते हुए, यार हो गया हो गया। यूजुअली क्या होता है, कोई वर्क रिलेटेड इमरजेंसी? सारे इकट्ठे बैठे होते हैं। और इकट्ठे बैठे होते हैं, वर्क रिलेटेड इमरजेंसी लेट होता है तो मेरे साथ बैठा होता है, मैं लेट होता हूं। इतनी सी बात यार, ये मेरा मतलब है कि एक इसमें एक लाइन है, 8 फरवरी की रात 11:30 का टाइम
बड़े मियां साहब रिजल्ट्स देखने के बाद. गुड वन मंसूर. मगर काशिफ, काशिफ से क्या पूछूं तो मुझे नहीं नहीं मेरा ख्याल नहीं मंसूर, आप घर लेट आते हैं तो क्या एक्सक्यूज देते हैं बेगम को यूजुअली? नहीं नहीं कोई एक्सक्यूज नहीं, आई एम ऑलवेज ऑनेस्ट अबाउट इट. कोई एक्सक्यूज नहीं, सीखो कुछ, सीखो, इज ऑलवेज ऑनेस्ट अबाउट इट. सीखो कुछ फ्रॉम डे वन, सीखो फ्रॉम डे वन. होता ही है शादी के बाद हर सच एक्सक्यूज लगता है बीवी को. और दिस कुड आल्सो बी के अच्छा मेरी तो खैर लोकेशंस भी उसके पास होती है. वाओ, वी हैव वो जो आईफोन में कनेक्ट है जी ट्रैक, वो बच्चों के पास. काशिफ का प्लीज सिंक कर देंगे मोबाइल. बच्चों के साथ भी है, मेरे पेरेंट्स के साथ भी. मेरा फोन रह गया क्लब, वो तो मैनेजर करके खेलता है. मेरा भी कुछ सिंक कर दे प्लीज. एक्चुअली होता है राइट नाउ, मतलब माय सन इज नॉट इन लाहौर, वो कराची में पढ़ता है. बच्चों का मैंने यूजुअली सुना है बट हस्बैंड वाइफ का नहीं सुना. नहीं, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से. काशिफ अब्बासी के 3.5 पॉइंट हैं, मालिक के 2.5 पॉइंट हैं, भट्टी साहब के 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट्स हैं, अप्सा के 3 पॉइंट्स हैं, गरीदा यू आर 2.5. Surprising, I thought you get, okay, and you are 3.5, Mansoor. मुझे हैम्पर तो दो ना. अभी और हैं, अभी मेरे लास्ट का हैम्पर है. नहीं नहीं अभी ये नहीं, इतना ही था बस. माधुरी या दीपिका? अगर आप एक दिन उठे सुबह को और आप रणवीर सिंह हो तो आप क्या पहली चीज क्या करेंगे? ना पूछ. हॉट इरशाद भट्टे. आपकी ख्वाहिश है खरीदा? नॉट एट ऑल, प्लीज नॉट सो डेस्परेट. वो मैं नाम नहीं ले सकता, आपने बताया था, आपने मना किया था.